हेलो, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज सहजन और मुनगा भाजी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। देखिए, मैं मुनगा भाजी ताज़ा ताज़ा पेड़ से तोड़ के ले रही हूँ। और जो पीला फूल दिख रहा है वो कद्दू का फूल है। ये देखिए, अनार का पौधा है, छोटा छोटा, अभी फल भी लग चुके हैं। मुनगा भाजी को एकदम साफ से छांट लेंगे, एक एक पत्ता करके। हेलो, गर्मी महीना में मुनगा का भाजी बहुत ही खाने में स्वाद होता है। देखिए, सभी मुनगा भाजी को मैंने छांट ली हूँ। एक बार ऐसे छोटा छोटा करके फिर छांट लेंगे। चार पांच चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद उड़द वाला बड़ी को लाल होते तक अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद प्लेट में कढ़ाई से निकाल लेंगे। दो चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। लहसुन, लाल मिर्च और सरसों को लाल होते तक भूनेंगे। सहजन भाजी को डालें। उड़द वाला बड़ी को हाथ में अच्छे से मसल लेंगे ताकि भाजी में देने से अच्छे से मिक्स हो जाता है। मसला हुआ बड़ी को डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि भाजी और उड़द बड़ी पक जाएगा। नमक और पानी देने के बाद भाजी को अलट पलट कर देंगे ताकि अच्छा से मिक्स हो जाएगा। कोई भी भाजी को कम आँच में पकाएंगे ताकि भाजी एकदम हरा ताज़ा दिखता है। मुनगा का भाजी पक चुका है। अब मैं अलग बर्तन में रख ली हूँ। मेरे तरीके से मुनगा का भाजी और उड़द का बड़ी ज़रूर बना कर देखेंगे। मेरे को पसंद ज़रूर लगता है कि मेरे वीडियो आप लोग सब देख रहे हैं, लेकिन लाइक करने के लिए नहीं भूलेंगे।